गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ मी विभू। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं अभी उठी हूँ। बाकी देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, सो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। लुक गाइस, ये मुझे गुड मॉर्निंग बोलने आया है। गौर से देखो इसे, थोड़ा बॉयज़ का हेयर स्टाइल किसी टाइम पे ऐसे ही आया था ना, वो चले गया, पूरा मान गया बेचारा। सो अब उठते हैं, बाकी की दिन की शुरुआत करते हैं। और सॉरी, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश्रा व्लॉग्स। सो गाइस, सबसे पहला काम मुझे अपना बेड सेट करना है। जो कंबल मैंने फैला रखा है उसको सेट करते हैं, ठीक है। टन टन। सो आप देख सकते हैं मैंने अपना कंबल सेट कर दिया है। बाकी किचन की तरफ चलते हैं। मेरा किचन रात को ही थोड़ा साफ कर लिया था मैंने। अभी हम सबसे पहले पानी गर्म करेंगे पीने के लिए। विंडो खोलते हैं। ये वाला लगा के रखते क्योंकि इधर से बंदर वगैरह आ जाते कभी। बरो बरो, चाय भी बनानी है बिकॉज हमने अभी। सो ये गर्म हो जाएगा, बाकी भी ब्रेकफास्ट बनाना ऊपर। ये सब्जी काट के रखी थी रात को, काट के और अच्छे से वॉश करके रखा है बंद गोभी। तो पानी गर्म हो रहा है, थोड़ा फेस वॉश कर लेते हैं फ्रेशन अप के लिए। सो हम चमक गए। तो मैं आपको अभी बाहर जाके थोड़ा सा वेदर दिखाती हूँ कैसा है। थोड़ा डिम हो रखा है, ज़्यादा आप धूप नहीं है, नहीं तो इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी सूरज की किरणें निकल आती। बेचा लेंटर पे चलते, चलो चले चलो चले। वहाँ से देखो हम आईफिल टावर के पास है। बानी अदाई देख रहे हैं बैठने की। सो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। आई लव दिस वेदर गाइस। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ इस जगह के बारे में। वैसे मैं रहती हूँ सोलन में, रहती हूँ, मेरा जन्म भी सोलन में हुआ है, तो बाय बर्थ मैं सोलन की रहने वाली हूँ। और जैसा कि आप पहाड़ देख सकते हो ना, ये वाला पहाड़, ये वाला वही है करोल का टिब्बा हमारा। सो इसके नीचे से जो रोड जा रहा है, ये चंडीगढ़ सोलन शिमला हाईवे है। ये तीन हाईवे कनेक्ट होते हैं। सो हाईवे के करते काफ़ी नज़दीक बन चुका है ये रूट। ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये वाला पहाड़ छोटी, ये वाला पहाड़ ये शिमला है, पता है आपको। रात को काफ़ी अच्छा लगता है, ये चमचम होता है ना, लाइट्स में चमकता है तो बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको दिखाऊँगी किसी दिन, जिस दिन मैं नाइट को शूट करूँगी ना। और ये वाला जो नीचे मेरे घर से नीचे वाला निचले वाला रोड है, जो आप पार देख सकते हो दो गाड़ियाँ हैं, ये हमारा फॉरेस्ट रोड है। इधर ही DFO का रूम है। इधर काफ़ी अच्छा, इस साइड को भी पेड़ पेड़ है। और ये जो मेरे घर के इस साइड पे रास्ता है, बड़ोग वाला साइड है अपना ना, वो पार बड़ोग टनल दिख रहा होगा। और कुछ थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। एज यू कैन सी, दिस इज़ आवर बड़ोग टनल। ओ सॉरी, मेरा हाथ शेक कर रहा है। और ये वाला साइड आपका बाईपास और रबौन साइड है पूरा। हेलो कर दे, कर दे हेलो। ऐ ची उठी क्या लगाया आँख में तो गंदा ची। गाइस पानी कुछ खतरनाक तरीके से उबल रहा है। सो हम बनाने जा रहे हैं चाय। चटनी बना दिया, मैं डाल दिया है गाइस। आइएगा कभी मेरे घर, आप लोगों को भी पिलाऊंगी। सुबह की कड़क चाय कड़क।
ये हमारी उबलती हुई चाय, इसमें हम थोड़ा रंग मिलाएंगे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चलेंगे इसमें, ये चाय बन रही है। अब हम थोड़ी देर फ्लोर साफ करते हैं, प्याज काटेंगे, सब्जी बनाएंगे। चुड़वा प्याज, इट्स बेटर। अब अच्छा लग रहा है, मेरा साइड लुक आ रहा है। वो चाय गिरने वाला था, बच गया। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, वो यार लंबे में काटना था, गोभी बनानी थी। तो कट गया, अब कुछ नहीं कर सकते। नाउ वी हैव नो अदर चांस। बीमार का सर सुखाते, कैसे खोल रहा है। इसमें थोड़ी सी मेथी, इसमें ऑलरेडी मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा सा लेंगे हम जीरा। अभी हमारे प्याज जो थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, तेल गर्म डाल दें। फिर हमारा प्याज आराम से पकेगा। हम मेरी चाय का आनंद लीजिए। ये मेरी सुबह की चाय है, और मैं गिलास में पीती हूँ, इसमें गर्म रहती है। मुझे खाना बनाते बनाते करना पड़ता है, सो गिलास इज़ बेस्ट, क्योंकि कप में पियेंगे आप जल्दी ठंडी हो जाती है। मुझे ये कार्यक्रम सहित पीना पड़ता है ना, सो थोड़ा गया है। इसको हम डालेंगे, इसमें अब हल्दी डालेंगे। वैसे बाद में डालते हल्दी, पर मैं पहले डालती हूँ, क्योंकि स्मेल नहीं मारता। पापा ने बताया कलर आएगा, नो डाउट, बट स्मेल नहीं मारेगा। सो पहले डाल के इसको अच्छे से पकने दो। कचुंबर बन चुका है जैसा हमें चाहिए। इसको और थोड़ा ऐसा ऐसा कर देंगे, अगर आपको ज़्यादा ही बारीक चाहिए तो। अब जल्दी जल्दी इसमें सब्जी डालते हैं। यो है मेरा हाथ, ये मेरी सब्जी। चाउमीन नहीं बना रही हूँ, सो धोखा मत खा देना। ये मेरी सब्जी बन गया, सिर्फ गोभी गोभी की। बैठा इसको थोड़ा ऊपर ले मंजिल में लेके आते, इसका मसाला नहीं तो चिपक जाएगा। मिठोता है, सो सब्जी की हालात देख लेते कैसे। रुकी बनाएंगे तेरे लिए, सब उसी बनाएंगे तेरे लिए। ये मेरी अपने होने वाले साथ के लिए, क्योंकि आप लोग सोचोगे आती है, लेकिन दिखाऊंगी आपको। तो She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't. सो फ्रेंड, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, और अब मैं सोच रही थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी। मैं कंटिन्यूसली करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। और रही आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, और काफ़ी लाइट फील होता है। सो मॉर्निंग में तो एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग करना था, अभी विंटर के डेज है। सो अभी मैं घर में ही करूँगी, घर के अंदर, रूम के अंदर करूँगी। जब गर्मी आएगी तब हम लैंटर में शूट करेंगे एक्सरसाइज का ब्लॉग, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी एक्सरसाइज बताऊंगी, कौन कौन सी मैं करती हूँ। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज करने के बाद फिर ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिससे आपके पास नई नई वीडियोज़ आती रहेंगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई किसी व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।